आज हम नवरात्रि स्पेशल साबूदाना खीर बनाएंगे। ये खीर बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप मेरे तरीके से साबूदाना खीर बनाएंगे तो आपकी साबूदाने की खीर एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बोल में 1/4 कप साबूदाना मैं ले रही हूँ और इसे रगड़ रगड़ के धोएंगे। तो जैसे आप धोएंगे देखेंगे कि साबूदाना से बहुत सारा स्टार्च निकल रहा है, पानी एकदम घुला घुला सा लग रहा है। तो बेसिकली हमें 4-5 बार इसे रगड़ रगड़ के धो के, जब तक इसका पानी एकदम साफ नहीं निकलता तब तक हमें इसे धोना पड़ेगा और साबूदाने का जो एक्स्ट्रा स्टार्च है उसे निकालना पड़ेगा। साबूदाने से अच्छे से स्टार्च निकल जाने के बाद ही खीर में साबूदाना एकदम खिले खिले मोतियों की तरह लगेंगे, वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे। साबूदाना को अच्छी तरह से हमने धो लिया है, अब इसमें हमें उतना ही पानी डालना है जितना में साबूदाना डूब जाए, बस उतना ही। अब इसे हमें 1 घंटा के लिए सोख होने देना है। 1 घंटा बाद ये देखिए साबूदाना अच्छी तरह से सोख हो चुका है और पानी भी पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो चुका है। अगर आप उंगली से प्रेस कीजिएगा तो ये पूरी तरह से नहीं टूटेगा, जस्ट थोड़ा हल्का सा टूटेगा, उतना ही लेवल तक हमें साबूदाना को सोख करना है। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, दूध को हमें उबाल लेना है। ये देखिए दूध उबल चुका है, इसे साइड में रख देंगे। अब पैन में मैं घी डाल रही हूँ और इसे पिघला लेंगे और पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें सोख किया हुआ साबूदाना पानी समेत ही डाल देंगे, बिल्कुल जरा सा ही पानी है तो उतना ही डाल दीजिए। और इसे हमें थोड़ा सा भूनना है, तो अभी ये पूरा वाइट दिख रहा है, तो भूनने के बाद ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा, उस लेवल तक हमें इसे भूनना है। भून लेने से साबूदाना एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे, एकदम खिले खिल रहेंगे। तो फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। ये देखिए साबूदाना भून चुका है, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसे भूनने में 2 मिनट का टाइम लगा है। अब हम इसमें उबला हुआ गर्म दूध डाल देंगे। सबसे पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे बेसिकली दूध को गाढ़ा होने तक पकाना पड़ेगा, तो फ्लेम को एडजस्ट करते रहेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए हमें इसे पकाना होगा। शुरुआत में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी भर केसर के धागे, तो ये खीर बनते बनते इसमें कच्चा कलर और फ्लेवर आएगा। ये देखिए खीर उबल रहा है, जैसे जैसे ये उबलता जाएगा खीर गाढ़ा होता जाएगा और साबूदाना जो है साइज में फूलने लगेंगे, तो उस लेवल तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए खीर कितना गाढ़ा हो चुका है और साबूदाना भी अच्छे से फूल चुका है। इस लेवल में हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो बेशक इसमें इसी टाइम डाल सकते हैं। तो आपको जितना मीठा पसंद हो चीनी का क्वांटिटी या फिर कंडेंस मिल्क का क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ बादाम, काजू और पिस्ता। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए और हमें पकाना है, तो ये खीर थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए खीर एकदम परफेक्टली तैयार है, एकदम इतना ही गाढ़ा आपको करना है, एकदम क्रीमी क्रीमी खीर। और ये देखिए साबूदाना एकदम मोतियों जैसे खिले खिले। अब हम इस लेवल में इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। इसके बाद खीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा खीर बिल्कुल तैयार है। आप अगर चाहे तो साबूदाना खीर को इस तरह से गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करने के बाद भी इसे खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आई होप आपको आज की मेरी नवरात्रि व्रत स्पेशल साबूदाना खीर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।